गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दैट इज फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो कल हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर अमाइनो एसिड सीक्वेंस में ऐसे ज्वाइन करते हैं तो इसको आप प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, यही अमाइनो एसिड्स अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चाहे वो इंटरमोलिकुलर हो या इंट्रा मोलिकुलर हो, उसकी वजह से क्वाइल हो जाते हैं या शीट्स की फॉर्म में आ जाते हैं तो उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो हमने कल पढ़े थे, अल्फा हेलिक्स इस तरह का एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, या बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर बनता है, उसको आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो ये है तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन, ये यही क्वाइल हो जाती है या यही आपकी ऐसे बॉन्डिंग बना के, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के शीट्स भी बनाती। अब अगर यही क्वाइल स्ट्रक्चर फर्दर क्वाइल हो जाए, फर्दर आपके फोल्डिंग हो जाए, इन्हीं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की फर्दर फोल्डिंग हो जाए, तो उसको आप बोलेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, जैसे मान लो ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है और इसी की और फर्दर फोल्डिंग हो जाए, और फर्दर फोल्डिंग हो जाए, मतलब अल्फा हेलिक्स तो है मगर फर्दर ये और फोल्डिंग इसकी हो जाए इस तरह से, और समझो एक थ्री डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर जैसा बन जाए, उसको आप बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फर्दर फोल्डिंग हो जाए। इन अदर वर्ड्स, टर्शरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मैनर इन विच द एंटायर प्रोटीन मॉलिक्यूल फोल्ड्स अप इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक शेप आर कम्पैक्ट फॉर्म। मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो फर्दर फोल्ड होके फर्दर इसकी फोल्डिंग हो जाए, मतलब सेकेंडरी मेंटेन रहे, सेकेंड स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, कॉयल ही रहे, मगर इसकी फोल्डिंग देखो आप दिख रहे हैं आपको कि फर्दर फोल्डिंग हो जाए और एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाए, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग से थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको आप टर्शरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। एट नॉर्मल पीएच एंड टेम्परेचर ईच प्रोटीन विल टेक अप अ शेप टर्शरी स्ट्रक्चर दैट इज एनर्जेटिकली मोस्ट स्टेबल। हर एक प्रोटीन रहता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में नहीं रहेगा, किसी एक पर्टिकुलर पीएच और टेम्परेचर पे वो टर्शरी स्ट्रक्चर में आ जाएगा, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। दिस शेप इज स्पेसिफिक टू अ गिवन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड इज कॉल्ड द नेटिव शेप ऑफ द प्रोटीन। जो आपका टर्शरी स्ट्रक्चर है जो फोल्डिंग करके बना हुआ है वो किस पे डिपेंड करता है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, वो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स पे डिपेंड करता है। मतलब अगर एक तरह का सीक्वेंस होगा तो वो एक तरह का टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएगा, अगर उस सीक्वेंस में कोई चेंज आ गया, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में कोई चेंज आ गया तो उसकी फोल्डिंग भी चेंज हो जाएगी, उसका टर्शरी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट डिपेंड्स अपॉन द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स। इन अदर वर्ड्स, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन डिक्टेट्स इट्स टर्शरी स्ट्रक्चर। द टू मेजर मॉलिकुलर शेप्स टर्शरी स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड टू अकर नेचुरली आर फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। जैसे दो तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर थे, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट, उसी तरह से दो तरह के टर्शरी स्ट्रक्चर भी हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। अब देखते हैं फाइब्रस, देखो फाइबर है ना, नाम है इसका फाइब्रस, तो फाइब्रस होगा एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा, ये ऐसे लेंथ वाइज स्ट्रक्चर होगा फाइबर्स जैसा, इसको आप बोलेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन्स हैव ऑलमोस्ट द सेम सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द प्रोटीन। कहता है कि टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा मगर उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो मेंटेन रहेगा थ्रू आउट द प्रोटीन। मतलब अगर वो प्रोटीन अल्फा हेलिक्स है तो वो अल्फा हेलिक्स मेंटेन रहेगा पूरे स्ट्रक्चर में। देखो जैसे ऐसे क्या होगा, ये हेलिक्स ऐसे से जुड़ेगा, इस तरह से बहुत सारे जो हैं वो फाइबर्स आपके जुड़ जाते हैं, बहुत तरह के आप ऐसे ऐसे अल्फा हेलिक्स जुड़ जाएंगे और एक फाइबर बनाएंगे, ठीक है। तो इसको और ये मेंटेन रहेगा, ठीक।
यही वाली शेप। ऐसा नहीं है कि इसमें इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसमें बीटा शीट स्ट्रक्चर भी आ जाए। तो इस पूरे पॉलीपेप्टाइड या पूरे प्रोटीन में सिर्फ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ही रहेगा। फाइबरस प्रोटीन हैव ऑलमोस्ट द सेम सेकेंडरी स्ट्रक्चर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल द अल्फा कैरेटिन, जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी अल्फा कैरेटिन की जो हेयर्स वगैरह में होता है। द मेजर प्रोटीन ऑफ द हेयर एंड द वूल हैव द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हेयर एंड वूल में। इन दीज प्रोटीन सेवरल अल्फा हेलिसेस आर क्वाइल्ड अबाउट ईच अदर टू फॉर्म मॉलिकुलर रोप्स या रॉड्स। देखो ये वाली एग्जाम्पल है, इन दोनों का स्ट्रक्चर को आप रहने दो। ये वाला देखो कोलेजन फाइबर्स है, जैसे एक अल्फा हेलिक्स आ गया ऐसे, दूसरा अल्फा हेलिक्स इसी के अराउंड क्वाइल हो गया, तीसरा, तो एक रोप जैसा स्ट्रक्चर बनेगा या रॉड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसको आप बोलेंगे फाइबर। जैसे ये एग्जांपल लिखिए कोलेजन फाइबर की, कोलेजन टू फॉर्म मॉलिकुलर रोप्स आर रॉड। दस द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबरस प्रोटीन इज रोप लाइक और रॉड लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स इज शोन। कोलेजन का स्ट्रक्चर जो है वो शो किया हुआ है, आपने बस इसमें ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है फाइबरस प्रोटीन में। इसमें आपने दिखाना है कि बहुत सारे अल्फा हेलिक्स ऐसे आपस में क्वाइल हो रहे हैं रोप शेप में। देखी होगी आपने रोप्स, रोप्स जो होती है ना ऐसे क्वाइल्ड होती हैं बहुत सारी, वो जो फाइबर्स होते हैं वो क्वाइल्ड होते हैं, तो उसी तरह से एक बनेगा। और एग्जांपल देनी है कोलेजन फाइबर्स प्रोटीन की। चलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स पर। ग्लोबुलर का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल, ऐसे समझो स्फेरिकल शेप में, कोई उसकी पर्टिकुलर ऐसे कोई मतलब एलोंगेटेड नहीं है, इस तरह का एक ग्लोबुलर शेप आ जाता है उसका। अनलाइक फाइबरस प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन्स डू नॉट हैव द सेम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अभी हमने पढ़ा कि जो फाइबरस प्रोटीन है उसमें स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, जैसे अल्फा हेलिक्स होगा तो अल्फा हेलिक्स ही रहेगा पूरे पूरे फाइबर में, अल्फा हेलिक्स ही रहेगा, वो बीटा शीट नहीं होगा। इसमें क्या होता है सेम सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं रहता है, जैसे पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल में है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर वाइल द अदर पार्ट्स में है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। मतलब वो शुरू तो होगा पूरे प्रोटीन में, या अगर पूरा प्रोटीन है तो इसमें कहीं शुरू होगा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीच में कहीं बीटा शीट स्ट्रक्चर भी आ जाएगा और आगे कहीं रैंडम कॉइल स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। अदर पार्ट्स में है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर एंड स्टिल अदर पार्ट्स में भी रैंडम कॉइल्स। दीज डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द प्रोटीन्स देन फोल्ड अप टू गिव द एंटायर मॉलिक्यूल अ स्फेरिकल शेप। मतलब पूरे प्रोटीन में पहले आपका अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर भी होगा, फिर बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर भी होगा, देन रैंडम कॉइल होगी, तो इस तरह से वो आपस में कॉइल करते रहेंगे, वो मतलब फोल्ड होते रहेंगे, फोल्डिंग उनकी होती रहेगी और अल्टीमेटली एक थ्री डायमेंशनल एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। दिस फोल्डिंग रिजल्ट्स थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ द वेरियस साइड चेन ग्रुप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स। दीज इंटरेक्शन इन्वॉल्व सेवरल टाइप्स ऑफ फोर्सेज सच एज वंडरवाल फोर्स। अब उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो उनके बीच में क्वाइलिंग इसलिए होती है क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन्स उनके बीच में क्या होता है इंटरेक्शन होता है, बहुत तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, जैसे वंडरवाल फोर्सेज आ गया, डाइसल्फाइड ब्रिजेज आ गए, आयनिक एंड साल्ट ब्रिजेज आ गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। पेरुड्स एंड कैंड्रयू शेयर्ड 1962 नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर डिटरमाइनिंग द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन थ्रू एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडीज। जस्ट आप इतना इसमें याद रखेंगे, ठीक है, कि इन्होंने पेरुड्स एंड कैंड्रयू ने हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का टर्शरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया। तो टर्शरी स्ट्रक्चर है क्या, ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फर्दर फोल्डिंग से बनता है, ग्लोबुलर प्रोटीन की बात हो रही है, इसमें फाइबरस प्रोटीन की तरह सेम स्ट्रक्चर नहीं रहता थ्रू आउट, इसमें अगर शुरू होगा अल्फा हेलिक्स देन कुछ पार्ट का बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर भी होता है, कुछ पार्ट में रैंडम कॉइल स्ट्रक्चर भी होता है और ओवरऑल इनके बीच में इंटरेक्शन होता है वंडरवाल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साल्ट ब्रिजेस, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, तो ये इसकी वजह से एक ग्लोबुलर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर आ जाता है। और हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर किसने एक्सप्लेन किया, पेरुड्स एंड कैंड्र। दिस इज ऑल अबाउट द टर्शरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, जो लास्ट स्ट्रक्चर है आपका, लास्ट लेवल है प्रोटीन स्ट्रक्चर का, इट इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी
ऑल्दो मैनी प्रोटीन्स एग्जिस्ट एज असेंबलीज ऑफ टू आर मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉल्ड सब यूनिट्स आर प्रोमोटर्स, दीज सब यूनिट्स मे बी आइडेंटिकल आर डिफरेंट एंड आर हेल्ड टुगेदर बाई नॉन कोवलेंट फोर्सेज सच एज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन एंड वंडरवाल इंटरेक्शन। देखो अभी तक जो बात हो रही थी प्रोटीन की, उसमें क्या था, सब पॉलीपेप्टाइड चेन थी, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन थी, ठीक है। मैनी प्रोटीन एग्जिस्ट एज असेंबलीज ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, बहुत सारे प्रोटीन में क्या होता है, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, और इस तरह से एक प्रोटीन बनता है। दीज सब यूनिट्स में भी आइडेंटिकल आर डिफरेंट, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो कंबाइन होती हैं प्रोटीन में, ये सेम भी हो सकती हैं, आइडेंटिकल भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, और किससे जुड़ी हुई होती है, नॉन कोवलेंट फोर्सेज जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से, वंडरवाल इंटरेक्शन से। क्वाइलिंग होने का ये तो रीज़न ही यही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल फोर्सेज या कुछ आयनिक बॉन्डिंग। The quaternary structure refers to the determination of number of subunits, determination of number of subunits and their special arrangements with respect to each other in an aggregate protein molecule. Quaternary structure क्या होता है, अब quaternary structure किसके बारे में deal करता है, कि हमने निकालना है कि कितने subunits हैं, determination of number of subunits। अगर एक protein molecule में चार ऐसे मान लो polypeptide chains, तो कितनी है, चार, इसको डिटरमाइन करना, इसको आप बोलते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, कितनी है, चार, और वो कैसे अरेंज है, स्पेशल अरेंजमेंट भी दिखाना है उसका विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो इसको आप बोलेंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ द सब यूनिट्स एंड दियर स्पेशल अरेंजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। The best known example of protein possessing quaternary structure is hemoglobin, which transport oxygen from lungs to the cells and carbon dioxide from the cells to the lungs through the blood stream. Best हम example देंगे quaternary structure की, किसकी, hemoglobin को explain करके। Hemoglobin जो है वो protein है, वो एक globular protein है, तो quaternary structure को हम explain करेंगे with the help of एक example लेके, जिसको आप बोलेंगे hemoglobin। हेमोग्लोबिन क्या करता है, हेमोग्लोबिन आपको पता है लंग्स से क्या लेता है, ऑक्सीजन लेके, ऑक्सीजन कौन लेता है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके चला जाता है सेल्स के पास, और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है लंग्स में। ये हेमोग्लोबिन का काम है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की। अब ये जो हेमोग्लोबिन है, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो प्रोटीन है चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स का, इसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है, चार, तो टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, उसी को आप क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। चार हैं, टू आइडेंटिकल अल्फा चेन्स, जिसमें दो हैं अल्फा चेन्स और दो हैं बीटा चेन्स, जो अल्फा चेन्स हैं उसमें 141 अमाइनो एसिड्स हैं, जो बीटा चेन है उसमें 146 अमाइनो एसिड्स हैं। These four subunits lie more or less at the vertices of a regular tetrahedron. Each polypeptide chain carries a heme iron protoporphyrin complex group at its end. Exact structure हम देखेंगे तो क्या है इसमें, center में इसमें क्या है, चार heme है, heme portion, अब इसको ऐसे देख सकते हैं, देखो इसमें क्या है, ये जो सेंटर में दिखाया हुआ ये क्या है, हीम, हीम मतलब आयरन कंटेनिंग, आयरन कंटेनिंग है, और उस उसमें जो ये पोर्शन है उसके बाहर से ये चेन लगी हुई है अल्फा, उसी तरह से एक और हीम कंटेनिंग पोर्शन है, दूसरी चेन लगी है बीटा, तीसरा हीम कंटेनिंग पोर्शन, अल्फा और बीटा, चार ऐसे ऐसे ये आपके समझो एक हेड जैसे हैं, और पीछे टेल जैसी पोर्शन लगी हुई है वो प्रोटीन की, पॉलीपेप्टाइड चेन की। अब ये हीम क्या है, हीम क्या होता है, हीम जो आपका सेंटर में आयरन होता है,
और इसके बाहर से चार पोरफायरिन रिंग्स लगी होती हैं। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे फाइव मेंबर्ड रिंग्स ये, और ये आपस में भी कनेक्टेड होते हैं कार्बन ब्रिजेस, इसको आप बोलते हैं पोरफायरिन या टेट्रा पायरोल भी बोलते हैं, या पोरफायरिन रिंग बोलते हैं इसको, ये इस सारे को। और इसमें अलग अलग ग्रुप्स भी लगे होते हैं और इसी इसी के साथ अटैच होती है वो आपकी जो ग्लोबुलर जो आपकी चेन है ग्लोबिन, जो प्रोटीन अल्फा चेन या बीटा चेन जिसको आप बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे चार होते हैं ऐसे, ये जो ये एक यूनिट है जो ये मैंने बनाया है यहाँ पे स्क्रीन पे, ये एक यूनिट है। तो ऐसे ऐसे कितने होते हैं, चार। तो ऐसे ऐसे यही आयरन और ये इसके बाहर से रिंग्स और इसकी एक चेन, उस तरह से एक और हीम, इस पूरे पोर्शन को हीम बोलते हैं। ऐसे चार रिंग्स लगी होंगी और इसके बाहर से एक और चेन हो, वैसे ही आयरन चार रिंग्स लगी होंगी और एक और चेन होगी, ऐसे आयरन फोर रिंग्स एंड वन मोर चेन। तो ये जो चेन है ये दो हैं, ये अल्फा अल्फा होंगी बीटा बीटा होंगी, दो अल्फा होंगी और दो बीटा होंगी और चार आपके पोरफायरिन सिस्टम होंगे। एग्जैक्टली बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट एक ये ओवरव्यू लास्ट वाला स्ट्रक्चर, एक ये वाला स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। आप पोरफायरिन को अलग से देख भी सकते हैं चाहें तो, और ये वाला एक सिस्टम को एक करके इस टाइप का कुछ बना सकते हैं कि इसमें पायरोल रिंग्स लगी हुई हैं। ठीक है, ये आप देख लेंगे फाइव मेंबर्ड रिंग्स नाइट्रोजन कंटेनिंग, और ये आपस में भी कनेक्टेड है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर जस्ट द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर कॉइलिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें आपने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर में जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फर्दर कॉइलिंग होती है, फोल्डिंग होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रिजेस, साल्ट ब्रिजेस, सल्फाइड ब्रिजेस, उनकी वजह से तो बन जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में आप दो चीज़ें पढ़ते हैं, फाइब्रस की और ग्लोबुलर की। फाइब्रस में क्या होता है, ओवरऑल प्रोटीन में एक ही तरह का स्ट्रक्चर रहता है और एक मतलब रोप लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कोलेजन की एग्जांपल हमने दी। और ग्लोबुलर में जो है वो थ्रू आउट प्रोटीन एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं रहता है, अल्फा हेलिक्स भी होता है, बीटा शीट स्ट्रक्चर भी होता है, रैंडम कॉयल्स भी होते हैं, और वो पूरा मिलकर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एक बना देते हैं। हेमोग्लोबिन को एक्सप्लेन किया, हेमोग्लोबिन का टर्शरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया पेरूड्स एंड कैंड्रियो ने 1962 में। और उसके बाद क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, फर्दर जब उसकी मतलब एक प्रोटीन में बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेंज होते हैं, कितने होते हैं, कितने पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होते हैं वो निकालना और उनका स्पेशल अरेंजमेंट निकालना विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, उसको आप क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे हेमोग्लोबिन को, जिसमें आप चार हीम पोर्शन दिखाएंगे और दो अल्फा और दो बीटा चेन्स दिखाएंगे। अल्फा चेन्स 141 अमाइनो एसिड्स एंड बीटा चेन्स 146 अमाइनो एसिड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इस वीडियो में इतना ही।